नमस्कार, एमपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निधि आपके साथ और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं, न्यूज रूम में बात करेंगे सुर्खियों की। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते चीन में मृतकों की संख्या अब 213 तक पहुंच गई है। ये वायरस लगातार तेजी से फैलता जा रहा है और इसका संक्रमण जानलेवा है। अब तक लगभग 9692 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हालांकि चीन की यात्रा और किसी भी प्रकार के व्यापार पर रोक नहीं लगाई गई है, फिर भी ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। वहीं वुहान में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से एक विमान चीन के लिए रवाना होगा, जो वुहान में फंसे करीब 400 भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगा। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने कहा कि चीन के वुहान में फंसे करीब 400 भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस भारत लाया जाएगा। ये फ्लाइट शनिवार सुबह 2 बजे तक वापस भारत आ चुकी होगी। सभी लोगों के भारत आ जाने के बाद विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में देखा गया था, उसके बाद भोपाल के एम्स में भी एक संदिग्ध मामला पाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी 2 इसके संदिग्ध मामले पाए जा चुके हैं। तो इसे लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में और अब तो ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है, भारत भी हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पहले ही एक अलर्ट जारी कर चुका है कि हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे, अलर्ट रहे, कोई भी संदेह हो तो तुरंत जाँच करवाए और इसकी पुष्टि करे कि ये वायरस का संक्रमण तो नहीं है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले ही ये अलर्ट जारी कर चुका है। रुक करेंगे अब अन्य खबरों की और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां गुरुवार से सिंधिया प्रीमियर क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई। ये जिवाजी विश्वविद्यालय मैदान पर खेली जा रही है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सिंधिया प्रीमियर लीग में करीब 275 टीमें हिस्सा ले रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खिलाड़ियों को उत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया और ये भी कहा कि सिंधिया प्रीमियर लीग में काफ़ी रोमांचक मैच होने वाले हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हो रही बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे नाराज नजर आए। उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि ऐसी स्तरहीन बयानबाजी करने वालों पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को अपनी जुबान पर संयम रखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में निम्न स्तरीय शब्दों का प्रयोग किया गया, उसकी निंदा होनी चाहिए और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ऐसे उदाहरण बार बार देखने को मिल रहे हैं जिनमें राजनीति की भाषा का स्तर गिर गया है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हम साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से वे बयान दे रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे उदाहरण बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो आपत्तिजनक बयानों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी नाराजगी जाहिर की। एक अपडेट आपको देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी का जो उनका वचन था, उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। अब उस वचन को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश में पहले चरण की कर्ज माफी हो चुकी है और अब दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को तय समय सीमा में किसानों का कर्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी सजग रहने के लिए कहा गया है। सीएम ने अधिकारियों को किसानों के बैंक संबंधी प्रकरणों को भी जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया है। दूसरे चरण की कर्ज माफी से पहले सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय में अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की और इस प्रक्रिया के तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सीएम ने कहा कि पहले चरण में जो किसान ऋण माफी का फायदा लेने से चूक गए हैं, वे इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें दूसरे चरण की कर्ज माफी में स्थान दिया जाएगा। और इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो किसान पहले चरण में छूट गए हैं उनके आवेदन ले लिए जाएं ताकि उन्हें भी इस दूसरे चरण में लाभ मिल सके। और 31 जनवरी का दिन तय किया गया इसके लिए कि इस दिन तक वे अपने आवेदन दे सकते हैं। इसी कड़ी में लगभग 27,000 किसानों के आवेदन आ भी चुके हैं। कर्ज माफी के दूसरे चरण में करीब 7 लाख किसानों के 4,500 करोड़ के कर्ज माफ होने हैं। दूसरे चरण की कर्ज माफी को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि फरवरी के महीने में प्रभारी मंत्री
अपने अपने जिलों में किसानों की कर्ज माफी करेंगे। साथ ही सीएम के निर्देश के अनुसार तय समय सीमा में ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है कि तय समय सीमा के भीतर ही उनका ऋण माफ हो जाएगा। वहीं बात करेंगे भोपाल की ही, तो भोपाल में 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वैसे तो हमेशा की तरह कई कार्यक्रम हुए, लेकिन खास चर्चाओं में जो रहा वो आपको बताते हैं कि सीएम कमलनाथ के सानिध्य में हनुमान चालीसा का 125 करोड़ जाप कराए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन हनुमान सांस्कृतिक मंच द्वारा किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शरीक हुए, साथ ही सरकार के तमाम मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर लेकिन सियासी हलचले भी देखी गई। वैसे तो था ये एक धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन इस पर भी राजनीति होती नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इसे हनुमान चालीसा के जाप को लेकर कई सवाल उठाए, जिसका मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जवाब दिया। सीएम ने कहा कि क्या धर्म की एजेंसी सिर्फ बीजेपी के पास है? कांग्रेस की पूजा पाठ करने पर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? सीएम ने कहा कि राकेश जी का मुंह पहले चलता है और दिमाग बाद में, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम सभी धर्म प्रेमी हैं, कांग्रेस पार्टी धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती। कुछ इस तरह से सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को। वैसे बीजेपी के सवालों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये कहती है कि हनुमान चालीसा का जाप लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है तो बीजेपी पर धिक्कार है। हनुमान चालीसा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान पर भी पूरी तरह से राजनीतिक बयानों की एक लड़ाई सी चल पड़ी है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। वहीं एक और खबर आपको देना चाहेंगे, कमलनाथ सरकार राम वन गमन पथ बनवाने के लिए अब लोगों से भी आर्थिक मदद लेगी। पहले ही काफ़ी पहले इसकी घोषणा की जा चुकी है कमलनाथ सरकार की ओर से कि राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। अब इसे लेकर नई कवायदे चल पड़ी है। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसमें साधु संतों को जोड़ा जाएगा। इसी ट्रस्ट के माध्यम से लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर सरकार राम वन गमन पथ तैयार करेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की और इसका दायित्व सड़क विकास निगम को सौंपने को कहा है। इस निर्माण से जुड़े सर्वे का दायित्व भी सड़क विकास निगम को ही दिया गया है। निगम आध्यात्मिक विभाग के मार्गदर्शन में ये कार्य करेगा। इस निर्माण के पहले चरण में 30 किलोमीटर अमरकंटक और 30 किलोमीटर चित्रकूट क्षेत्र से पथ का सर्वे कर इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पथ के दोनों ओर वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। राम वनगमन पथ का खर्च लगभग 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इस वर्ष बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने पथ को बनाने के लिए आम लोगों से भी आर्थिक सहयोग लेने की बात कही है। लोगों से दान स्वरूप आर्थिक मदद ली जाएगी। ये आपको बता दें कि ये मार्ग करीब 350 किलोमीटर लंबा होगा, जो चित्रकूट से शुरू होकर अमरकंटक तक बनाया जाएगा। तो एक बार फिर समस्त धर्म प्रेमी जो जनता है उनके लिए एक नई सौगात है कमलनाथ सरकार की ओर से। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।